नगर निगम के नवीन भवन में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 4 मई से लेकर 20 मई तक चलने वाले नाला सफाई अभियान के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम सीमा के अंदर जितने भी छोटे से बड़े नाले हैं उनकी सफाई का कार्य 21 मार्च से प्रारंभ किया गया था। नगर निगम के अंतर्गत 13 बड़े नाले, 116 मझोले नाले और 117 छोटी वाली नालियां हैं। कुल 256 नाले हैं जो 5 जोन में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्देशित किया गया है कि तेजी के साथ नालों की तल्ली झाड़ साफ सफाई का कार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि 4 मई से 20 मई तक विशेष नाला सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी जोनल ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर व अपने अपने क्षेत्र के पार्षद से भी मीटिंग कर छोटे से बड़े नालों का सफाई पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि इस बरसात में जनपद में पानी लगने की समस्या न आने पाए। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश कुमार रस्तोगी, सहायक नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह सहित समस्त जोनल अधिकारी एवं जोनल सैनिटरी अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, पांच की एक बार बैठक आने का नहीं है तो भाई जोनल अफसर साहब आप भी थोड़ा सा बातचीत करना अधिकारी पूछ लो। जैसे अभी हम ऐसे पूछे कि दोनों लोग आए थे, मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, हमने कहा बैठे रहिए भैया हम आ रहे हैं। छोटू सिंह के क्षेत्र में आपने पूरा देखा ही हुआ है, पूरा डॉक्टर सिंह क्लेव, राप्ती नगर, ये सब। इसके बाद आपका वाला क्षेत्र बनेगा बसारतपुर वाला, राजीव तिवारी जी का खेत हो गया, पूरा वो हो गया। फिर उधर आप जाओगे वो जो गिरजेश पाल हैं उनका पूरा क्षेत्र हो गया। तो उसमें क्या किया, घूम तो लिया, हुआ क्या? हमको वो चाहिए ना, कि घूमना थोड़ी ना करना है। अभी तो उसमें 40-40% अभी काम हो पाया, पूरा करना पड़ेगा। तो भाई आपने कोई अपनी लिस्ट बनाई है अपने, जैसे कुछ तो चीज़ें डॉक्टर साहब चीफ साहब ने अपनी एक बना दिया, लेकिन क्या आपने अपनी तरफ से अपने दिमाग में कोई सेट कर रखा, कोई स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए पिछली बार मैं देखता, मैं बार बार कह रहा, पिछली बार आप भी थे, डॉक्टर साहब हैं, लेकिन कितने लोग नाले पे खड़े हो रहे हैं, मैं बराबर इस बात को वॉच कर रहा हूँ, समझ में बिल्कुल भी अभी सेटिस्फैक्ट्री। नाले पे खड़े होना है और नाले पे मशीनें लगे, आपके लड़के जो लगाए हैं नाला गैंग वाले, इमरजेंसी गैंग वाले, वो नाले के अंदर दिखने चाहिए जैसे पिछली बार हुआ था। अब की बार वो चीज़ नहीं हुई, हो पा रही है। पिछली बार आपने चारगांव में जितनी तोड़फोड़ किया था सर, दो नाला कहीं से कोई शक्ति नगर पुलिया से जो अंदर नहीं है वहाँ से चल रहा है अभी, तो दो दिन तो कितने दिन अभी लगता है? दो दिन सर ज्यादा से ज्यादा काम खिंचा लिए, क्योंकि जो नाव वाला गया है वो एक एक आदमी यहाँ रहा है, नाव कहा गया था वो मैं सुबह से कर रहा हूँ, उठाई नहीं रहे, कुछ वार्ड वालों को भी सम्मिलित कर लीजिए, वो नहीं करेंगे तभी हम कर लेंगे। तो आप कितने बचा है, कितने परसेंट काम हुआ है, कितने परसेंट बचा है? ठीक है तो उसको पूरा खत्म कर लीजिए। तो सर कितने लोग लगाए आपने वहाँ पे? सर एक टीम लगाया है, एक टीम हो गई, उसके बाद दूसरी वाली वहाँ पे लगे बाद कहाँ? जैसा कि आपके संज्ञान में है 21 तारीख से 21 मार्च से पूरे गोरखपुर नगर निगम सीमा के भीतर जितने भी नाले हैं उन सबकी तली झाड़ सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत 13 बड़े नाले, 116 मझोले नाले और 117 जो है वो छोटी वाली नालियां हैं। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर लगभग 256 नाले हमारे पास हैं जो पांचों जोन में बटे हुए हैं। और अब तक अभी आपने देखा कि जो हमारा सबसे बड़ा नाला है गुड़दहिया नाला, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी सफाई का खुद स्वयं निरीक्षण किया था, वो 80% उसमें सफाई काम पूरा हो गया है 20% के लिए। इसके अलावा जो हमारे अन्य जो नाले अभी बचे हुए हैं, क्योंकि आज 2 तारीख है तो सबको बताया गया कि आप लोग जो है तेज़ी के साथ नालों की तली झाड़ सफाई का काम प्रारंभ करें और इस वक्त अब सारा फोकस नालों की सफाई पे लगा दें। और इसके लिए हम लोगों ने ईद के बाद कल से ही, कल के ईद है, ईद के ठीक बाद से 4 तारीख से लेकर अगले 20 तारीख तक के लिए हम लोगों ने एक विशेष महाअभियान नालों की तड़ाई तली झाड़ सफाई के संबंध में चलाने का फैसला लिया है और सभी को इसी के संबंध में सेंसिटाइज करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। और ये भी कहा गया है कि सभी हमारे जितने भी
जोनल ऑफिसर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, वो अपने अपने जोन के अपने अपने क्षेत्र के संबंधित जो हमारे सम्मानित पार्षद जी हैं उनसे भी डिस्कस कर लें, कहीं उनसे भी पूछ लें कि कहीं आपके कोई ऐसा नाला छूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसे ही नाली या मझोला नाला छूट तो नहीं गया है, तो उनसे भी जानकारी कर लें। और इसका सबका उद्देश्य यही है कि 15 से 20 मई के बीचों बीच हमारे पूरे नाले जो हैं अच्छी तरीके से तली झाड़ सफाई हो जाए, जिससे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि इस बार किसी भी हालत में गोरखपुर में जल प्लावन नहीं होना चाहिए, उसका हम 100% अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।